गाइस, दिस इज मी पिंकी आर्या और ये रात का टाइम है। रात के टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि आज हम ट्राई करने वाले हैं एक नया चारकोल फेस पैक, फेस मास्क बोल सकते हैं इसको। तो मेरे पास है नविश का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क है ये, और ये है फॉर गेट ग्लोइंग फेस और पावर ऑफ के साथ ही। सारी चीजें निकाल के बाहर फेंक देगा, मेरे को काजल भी ऐसे ही लगा हुआ है। ये सारी चीजें आपके डर्ट पोल्यूशन को निकालने में कामयाब, ऐसे ही बोलते हैं। जो इसका प्राइस है वो है 349 रुपीज, आपको अमेजोन पर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। मैंने इसको अमेजोन से खरीदा है टू ट्राई आउट कि कैसा है ये प्रोडक्ट, और आप इसको 24 महीने तक यूज कर सकते हैं। और ये एक टू पैकेजिंग में आता है, 100 ग्राम की पैकेजिंग है जो कि काफी ह्यूज है, मतलब आपको काफी वजन दिखेगा। नॉर्मली चारकोल का जो फेस पील ऑफ मास्क होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के आते हैं। और कैसे इसको यूज करना है, आपको ड्राई फेस पर इसको अप्लाई करना है डिजायर एरिया पर, लाइक आपको अगर नोज के पास लगाना है तो नोज के पास लगा सकते हैं, चीन एरिया पर लगाना है तो चीन एरिया पर, पूरे फेस पर भी आप इसको लगा सकते हैं। अवॉइड करना है आपके लिप्स को, आईज को, एज वेल एज आईब्रोज को, ठीक है। पील ऑफ करना है 20 to 30 मिनट्स के लिए, छोड़ देना है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए आप टोनर अप्लाई कर ले बाद में, जब आपके पोर्स जो है खुल जाएं उसके बाद। प्रेफर तो ये करती हूँ मैं, आप मास्क लगाने से पहले हॉट टावल से एक बार अपने फेस को स्टीम दे दे अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है। मेरे को है नहीं, बट मेरे को बहुत ही ज्यादा रफ है स्किन ना। कुछ टाइम से बेंजोल पेरोक्साइड यूज कर रही हूँ तो उस वजह से मेरे को बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गई है स्किन। तो लेट्स ट्राई की क्या है। अच्छा, एक चीज और बता देने वाली हूँ कि ये नॉट टेस्टेड इन एनिमल और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये सारे है, और इस पर ये भी है कि कुछ लोग चारकोल से रिएक्ट कर जाते हैं, तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस और फॉर एक्सटर्नल यूज, ये इस पर लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्लिप टॉप कैप के साथ आता है। स्मेल थोड़ा सा ना, बेसिकली चारकोल पील ऑफ मास्क एकदम वैसा स्मेल करता है, लाइक कैसे बताऊं, कॉस्मेटिक तो स्मेल नहीं करता, वो केमिकली स्मेल करता है, बट इसके साथ वैसा है नहीं। ये थोड़ा सा मिंथॉल जैसा स्मेल कर रहा है और बहुत ही ज्यादा थिक है ये कंसिस्टेंसी में ना, मैंने इतना थिक नहीं देखा कभी कोई। तो चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए, आपको लग रहा है ना ये बहुत बहुत थिक है, लाइक वाओ का जो चारकोल वाला था वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करता है। ये देखते हैं कि कितना ये पेनफुल रहता है। मैं इसको अपने इस एरिया पर ही यूज करूंगी सिर्फ, क्योंकि मेरे को यहां पर ही बहुत ज्यादा ट्राई आउट की ये कितना ज्यादा दर्द और पेनफुल है ये प्रोडक्ट। इसलिए आज हम अपने बेयर फेस के साथ आए हैं, अपने आई के एरिया को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा सेंसिटिविटी वाला चक्कर रहता है। ये बहुत बहुत ज्यादा थिक है यार, आई थिंक ये कामयाब रहेगा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को निकालने में। मेरे को ये आई थिंक इसको रचना को देना चाहिए, शी हैज लॉट्स ऑफ। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया, देख रहे हो आप, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत ज्यादा जाएगी, स्प्रेडेबल भी बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही गाढ़ा है, बहुत लाइक बहुत गाढ़ा है भाई, बहुत गाढ़ा है। अभी इसको सूखने का वेट करना पड़ेगा अपन को, एंड देन वी विल सी कि क्या रिजल्ट है इसके, आप लोगों के सामने ही निकालूंगी। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। एज यू कैन सी गाइस, बहुत ज्यादा पेनफुल था ये, बट सारे पोर्स इसने क्लियर कर दिए मेरे। मैं अभी टोनर लगा रही हूँ आराम से और बहुत अच्छे से पोर्स क्लियर कर दिए, और ब्लैक हेड्स भी आप देख सकते हैं, मुझे इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, बट बहुत ज्यादा हेयर वगैरह इसमें देखने को मिला है। तो मेरी तरफ से ये बहुत ही अच्छा है, खास करके बॉयज के लिए एक्चुअली ना।
जो बॉयज होते हैं उनकी स्किन थोड़ी सी रफ होती है, ब्रैकेट्स को निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, बट ये बहुत बहुत अच्छे से काम करता है, सच में अप्रिशिएट करना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पील ऑफ मास्क इतना अच्छे से किसी ने कुछ निकाला है, बट हाँ लिटिल पेनफुल है, अगर आप पेन नहीं झेल पा रहे तो ये आपके लिए नहीं है, बट अगर आप पेन बेयर कर सकते हैं और आपको ब्रैकेट्स निकालने हैं तो दिस इज द प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, आपको प्लीज ले लीजिए। और बहुत ही कम यूज होता है, बहुत टाइम चलने वाला है, मेरे को इसीलिए देखा कि 2 साल की सेल्फ लाइफ दी है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। गाइज आई होप आपको मेरा ये टेस्टेड वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। प्लीज मेरे थोबड़े पर मत जाइए क्योंकि अभी रात हो गई, अब रात को कौन सज धज के वीडियो बनाएगा, बट एक्चुअली मुझे ये ट्राई करना था प्रोडक्ट क्योंकि मैं बाहर से आई थी और मतलब कल, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना धूल डस्ट को हटाया जाए, तब मैंने ये ट्राई किया, मुझे काफी पसंद आया है, आप लोगों के सामने ट्राई किया है, थोड़ा सा पेनफुल है बट क्या कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय।